नमस्कार। सो गाइस, आपको याद होगा थोड़े महीनों पहले मैंने पुणे मेट्रो फेज 2 के ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड उसमें मैंने बहुत सारे प्रपोज्ड मेट्रो रूट्स के बारे में आपको बताया था, बट अभी उनमें से कुछ मेट्रो रूट्स के ऊपर एक नया अपडेट आ चुका है जो मैं आपको देना चाहूंगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी किए आज के इस पुणे मेट्रो फेज 2 वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सो अपडेट ये है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी पीएमसी ने आखिरकार पुणे मेट्रो फेज 2 के लिए 4 मेट्रो रूट्स को अप्रूव कर दिया है अपनी साइट से। एंड ये 4 मेट्रो रूट कौन से हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सो सबसे पहला रूट है वनास टू चांदनी चौक, दूसरा रूट है रामवाड़ी टू वाघोली या विठलवाड़ी, तीसरा रूट है खराड़ी हड़पसर स्वारगेट खड़कवासला एंड चौथा रूट है पाउर फाटा टू वारजे मानिकबाग। सो इसके बाद इन चारों मेट्रो रूट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन नंबर 1 वनास टू चांदनी चौक। सो ये जो एक्सटेंशन है इसकी टोटल लंबाई है 1.12 किलोमीटर एंड इस एक्सटेंशन के अंदर 2 मेट्रो स्टेशन प्रपोज किए गए हैं। उनका नाम है कोथरूड बस डेपो स्टेशन एंड चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। ये दोनों मेट्रो स्टेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड यहाँ पे अच्छा खासा फुटफॉल भी आता रहेगा। सो दिस एक्सटेंशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन नंबर 2 रामवाड़ी टू वाघोली या विठलवाड़ी। ये जो एक्सटेंशन है इसकी टोटल लंबाई रहेगी 11.6 किलोमीटर एंड इसके अंदर इन टोटल 10 से 11 मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है। अब हम इनका नाम जानेंगे। सबसे पहला स्टेशन है विमान नगर स्टेशन, फिर उसके बाद सोमनाथ नगर स्टेशन, फिर खराड़ी बाईपास स्टेशन, तुलजा भवानी स्टेशन, उबाले नगर स्टेशन, अपर खराड़ी रोड स्टेशन, वाघेश्वर टेम्पल स्टेशन, वाघोली स्टेशन, सिद्धार्थ नगर स्टेशन, बकोरी फाटा स्टेशन एंड लास्ट में विठलवाड़ी स्टेशन। सो इस तरह मेट्रो वाघोली तक जाने वाली है एंड ये सभी के लिए एक बड़ी ही अच्छी बात रहेगी क्योंकि पुणे का जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारा अब वाघोली साइड पे जाके बस चुका है एंड वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही बेकार है, इतना अच्छा नहीं है। PMPML इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ गुड सर्विस ओवर देयर। इसके कारण मेट्रो की वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है एंड दैट इज व्हाई दिस एक्सटेंशन शुड बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी। सो अभी हम बात करेंगे एक्सटेंशन नंबर 3 खराड़ी हड़पसर स्वारगेट खड़कवासला के बारे में। ये जो लाइन है ये 25.8 किलोमीटर लंबी रहेगी, फिर इसका जो डेपो है वो खड़कवासला में होना चाहिए एंड इसके अंदर इन टोटल 22 मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं एंड अभी हम इन 22 मेट्रो स्टेशन के नाम जान लेते हैं। सबसे पहला मेट्रो स्टेशन रहेगा खराड़ी चौक मेट्रो स्टेशन, उसके बाद साईनाथ नगर चौक मेट्रो स्टेशन, उसके बाद हड़पसर रेलवे स्टेशन, उसके बाद मगरपट्टा नॉर्थ, मगरपट्टा मेन, मगरपट्टा साउथ एंड उसके बाद हड़पसर रामटेकड़ी फातिमा नगर रेस कोर्स पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस, फिर उसके बाद सेवेलोस चौक स्वारगेट नॉर्थ दांडेकर पुल देशपांडे उद्यान राजाराम ब्रिज हिंगणे चौक माणिक बाग, फिर उसके बाद धायरी फाटा नांदेड़ सिटी दलवेवाड़ी एंड लास्ट में खड़कवासला मेट्रो स्टेशन। ये जो लाइन है ये काफी सारे मेजर एरियाज को कनेक्ट कर रही है एंड इसलिए इसको भी प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, इसका काम जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। सो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सटेंशन नंबर 4 SNDT वारजे माणिक बाग के बारे में एंड ये जो एक्सटेंशन है ये 6.1 किलोमीटर लंबा रहेगा। इसके अंदर 6 मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है जिनका नाम है पाउड फाटा मेट्रो स्टेशन, करवे पुतला मेट्रो स्टेशन, दहानुकर कॉलोनी मेट्रो स्टेशन, करवे नगर मेट्रो स्टेशन, वारजे मेट्रो स्टेशन एंड लास्ट में दौलत नगर मेट्रो स्टेशन। सो ये जो एक्सटेंशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वारजे मालवाड़ी एरिया को कवर कर रहा है एंड इसलिए इसके ऊपर भी काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। एंड हाँ, आपको बता दूं लाइन 2 का जो नल स्टॉप मेट्रो स्टेशन है वो इस एक्सटेंशन से FOB के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है। सो देखते हैं आगे क्या होता है।
ये जो एक्सटेंशंस पीएमसी ने प्रपोज किए हैं ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अराउंड इनमें 12,000 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है. 12,000 crores इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर दिस एक्सटेंशन. तो देखते हैं आगे क्या होता है. अभी इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद ये जो डीपीआर्स है इन सभी एक्सटेंशंस के, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएंगे एंड उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएंगे. आपको बता दूं पीसीएमसी टू निगड़ी एंड स्वारगेट टू कातरज, इनके जो अप्रूवल्स है ये एडवांस्ड स्टेजेस में है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. इनके डीपीआर्स ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं. सो देखते हैं उनको भी जल्द से जल्द अप्रूवल मिलना चाहिए 2024 के पहले. एंड अगर आपको आज का ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को. मैं मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.